वहीं दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा से पास हो गया है। बिल पास करने से पहले गृहमंत्री अमित शाह ने भाषण दिया और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल पास हो गया है, लेकिन राज्यसभा में आम आदमी पार्टी बड़ी लड़ाई के मूड में है। दिल्ली सर्विस बिल पर लोकसभा में हंगामा हुआ। जैसे ही बिल लोकसभा से बहुमत से पास हुआ तो विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बिल पास होने से पहले गृहमंत्री अमित शाह ने सदन में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है इसका सत्य छुपाना है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसका सत्य छुपाना है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली सर्विस बिल को राजनीति से प्रेरित बताया है। 1930 या 40 के दशक के कुछ बयान कोट करते हुए इस जस्टिफाई करने का प्रयास किया कि ये कानून हम उनके बयानों और उनके इच्छा अनुसार ला रहे हैं। लोकसभा से तो दिल्ली सर्विस बिल पास हो गया है, लेकिन अब राज्यसभा में आम आदमी पार्टी बड़ी लड़ाई के मूड में है। बिल के सपोर्ट में आप तर्क देते कि 1, 2, 3, 4, 5 दीज आर द 5 रीजंस व्हाई, तर्क ही नहीं बनता है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अनडेमोक्रेटिक है। वही लोकसभा में आम आदमी पार्टी के इकलौते सांसद सुशील कुमार रिंकू को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। जैसे ही लोकसभा से दिल्ली सर्विस बिल पास हुआ तो विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया और उसी वक्त आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू ने वेल में आकर कुछ ऐसा कर दिया कि उन पर कार्यवाही करनी पड़ी। लोकसभा में विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बोल रहे थे और उसी वक्त आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद सुशील कुमार रिंकू वेल में आ गए और उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ कागज फाड़ कर फेंक दिए। इसके बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सुशील कुमार रिंकू को सत्र से निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया और स्पीकर ओम बिरला ने सुशील कुमार रिंकू को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। हालांकि सुशील कुमार रिंकू का कहना है कि उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं है। ये सस्पेंशन है, कोई मेरे लिए कोई खास मायने नहीं रखती, क्योंकि जिस संविधान को बचाने के लिए अगर रोज भी सस्पेंड होना पड़े तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद की इस हरकत पर बीजेपी भी हमलावर है। सुशील कुमार रिंकू पंजाब के जालंधर से सांसद हैं। जालंधर लोकसभा उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। आपसे पहले वो कांग्रेस में थे। इससे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एनडीए सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं, विकास कार्यों को लेकर फीडबैक ले रहे हैं, साथ ही साथ 2024 के लिए विजय मंत्र भी दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री का मकसद है लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से हैट्रिक लगाना। लोकसभा चुनाव की बाहुबली तैयारी में केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री ने भी ताकत झोंक दी है और इस बात की तस्दीक एनडीए सांसदों के साथ लगातार हो रही प्रधानमंत्री की मीटिंग्स कर रही। चुनाव में अब वक्त कम बचा है, लिहाजा प्रधानमंत्री का फोकस हर राज्य, हर वर्ग और हर व्यक्ति पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के एनडीए सांसदों के साथ बैठक की। पीएम मोदी ने सांसदों से कहा कि लोगों को केंद्रीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाए, लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं इसका फीडबैक लिया जाए। साथ ही पीएम ने कहा कि एनडीए गठबंधन में बीजेपी त्याग की भावना से काम कर रही है। बीजेपी ने हर क्षेत्रीय दल को आगे बढ़ाने का काम किया है। बिहार में बीजेपी की सीट ज्यादा होने पर भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सीट ज्यादा है फिर भी दूसरी पार्टी को सम्मान दिया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब में भी क्षेत्रीय पार्टी को मजबूत करने की बात कही। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के एनडीए सांसदों से बातचीत भी की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की फूलपुर सीट एक बार फिर से चर्चा के केंद्र बिंदु में है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले फिर से फूलपुर से सीट से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज है। तो वहीं बीजेपी का दावा है कि नीतीश कुमार कहीं से भी चुनाव लड़े जीत नहीं पाएंगे। 2024 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं, इसको लेकर अटकलों का दौर आसमान छू रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ने की मांग तेज हो रही है। प्रयागराज के फूलपुर सीट से नीतीश के चुनावी मैदान में उतरने के मुद्दे को जेडीयू ने एक बार फिर हवा दे दी है। कार्यकर्ता को हक का हक नहीं है मांग करने का, क्या नीतीश कुमार राष्ट्रीय नेता है, नीतीश जी अभी तक चुनाव हारे हैं क्या? वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का दावा है कि नीतीश कुमार कहीं से भी चुनाव लड़ने जीतने वाले नहीं है। नीतीश कुमार जी फूलपुर उत्तर प्रदेश से लड़े चाहे बिहार से लड़े लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे।
हालांकि कांग्रेस का कहना है कि नीतीश कुमार जहां से बताएंगे वहां से ही चुनाव लड़ेंगे। निश्चित उत्तर तो नीतीश जी दे सकते हैं कि वो चुनाव कहां से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। वो बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनको तो पूरा चुनाव लड़ना है। वैसे तो पिछले साल भी नीतीश कुमार के फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हुई थी, लेकिन जेडीयू ने इसे खारिज कर दिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि विपक्ष गठबंधन की तीसरी बैठक से ठीक पहले फूलपुर से नीतीश के चुनाव लड़ने की बहस छेड़ने के पीछे क्या प्लान है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।